दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर अगर आप मनीषा रानी और फुकरा इंसान की बातों को सुनेंगे तो थोड़ा बहुत आपको भी बुरा लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहां पर मनीषा कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि आजकल तू बदल गया है, आजकल तू मेरे साथ नहीं रहता। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि एल्विश यादव ने फुकरा इंसान को एक काम दिया था और कहा था कि तू एक काम कर, ये जितने भी क्वेश्चन पड़े हैं इनको सही तरीके से जमा कर रख दे। इतने में मनीषा रानी वहाँ पर आ जाती है और मनीषा को देखकर फुकरा ने कहा कि चल मेरी हेल्प करवा दे यार, जल्दी से मेरे को ये काम मिला हुआ है। लेकिन मनीषा ने काम करवाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद में दोस्तों फुकरा इंसान ने कहा कि तू मेरे साथ काम नहीं करवाएगी, मेरी हेल्प नहीं करेगी तू। इस पर दोस्तों यहाँ पर मनीषा ने कहा कि आजकल तू भी तो कहाँ मेरे साथ रहता है, तू भी तो इधर उधर घूमने लग गया ना आजकल। दरअसल मनीषा कहना चाहती है कि आजकल तू मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता जितना कि तू आजकल जिया वगैरह के साथ में स्पेंड करने लग गया, आजकल तो तू मुझे छोड़ ही दिया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर मनीषा रानी को काफ़ी बुरी लगी है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो जिया शंकर काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगी है फुकरा इंसान के, और फुकरा इंसान भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मनीषा रानी से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मनीषा ने इतनी बड़ी बात कही थी। वहीं दोस्तों यहां पर फुकरा इंसान ने एक लाइन कहकर मनीषा रानी का दिल जीत लिया। दरअसल मनीषा को फुकरा इंसान ने कहा कि देख मैं कहीं भी बैठूं, कहीं भी भटकूं, कहीं भी जाऊं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी कौन है पता है तुझे, मेरी प्रायोरिटी हमेशा तू ही रहेगी। और इस पर मनीषा रानी भी हंसने लगी और कहने लगी कि मुझे पता है तू भी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा नंबर वन पर रहेगा। लेकिन दोस्तों इस बात से इतना तो तय है कि जिया के साथ इस तरीके से फुकरा इंसान का बैठना कहीं ना कहीं मनीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और बातों ही बातों में यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीषा के मुँह से ये बात भी निकल गई है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, अपनी राय कॉमेंट में बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी और फुकरा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।